काम कैसे जा रहा है? बस शुक्र है यार, अल्लाह का करम है, महंगाई बहुत है। कुछ भी नहीं था यार, चुप कर। आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ। उसकी सिर्फ तार उतरी हुई थी। हाँ। तो आपने 5 रुपए उससे ले लिया। ये आपने हराम का माल का। यार कारोबार ऐसे चलते हैं, तुझे नहीं पता तुझे क्या पता। तो यार ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलते हैं। 5 रुपए आपने बना लिया है। हाँ जी, क्यों खैर है? अच्छा चलो मैं आता हूँ। मैं यार ना वो घर मतलब बन गया, मैं तो जा रहा हूँ। तो मेरी दुकान का ख्याल रखना। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। मैं हाजिर, आपकी मेहरबानी। ठीक है, बैठ जाना। शुक्रिया। ठीक है, जाओ। सुनाओ, कोई आया नहीं था? नहीं, मैंने ना आपसे पूछना था यार, मैं आपको बात नहीं करी यार। इधर आ जाना, फिर उससे बात कर लूंगा। मसला यार ये था, वो मैं घर गया था, वो बच्चे को भूखे हो गया था बुखार। तो आज तो शुक्र ये है कि मैंने 500 को जुगाड़ से ले लिया। शाबाश शाबाश, ये आप आपकी गलत सोच है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो भाई मेरा उधर से दाग नाता तो मैं 500 कहाँ से लेता। ये आपकी गलत सोच है ना, आप हराम के पैसे कमाते ना आपका बेटा बीमार होता। अच्छा फिर तो जब आप ग्राहक भेजेंगे ना, हम 400 का सामान बना, 300 का हम 400 का बना के भेजेंगे, 100 आपकी कमीशन होगी। अच्छा भाई मेरी बात सुने, मैंने ना हराम की कमाई अपने बच्चों को नहीं खिलानी। मैंने ये वादा किया है अल्लाह से कि मैं आज के बाद बेईमानी नहीं करूंगा। मैंने हलाल की कमाई करनी है और हलाल ही खाना है, ठीक है ना? तो अगर जैसे आपकी मर्जी, आप भी हलाल खाएं और अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। हम भी अच्छा काम करेंगे यार, बरकत होती है। मेरी बात सुन, अच्छा हलाल कमाई में ना बरकत होती, बरकत ही बरकत है। तो ठीक है इंशाल्लाह, आप ही हलाल कमाएं अपने बच्चों को भी। इंशाल्लाह मैं जितना गाहक हो गए तो मैं आपको भेजूंगा आपकी तरफ। तो आपने हलाल करके हलाल, ठीक है? ठीक, शुक्रिया, मेहरबानी।